स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन प्रेस करें और कंप्यूटर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग की। मतलब इस बॉडी टैग में जो जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं उन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। कोई भी टैग इसमें नहीं बचेगा, पूरे के पूरे टैग हम इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम HTML के बारे में पढ़ सकते हैं उतना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, उसकी बात करते हैं। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द कलर ऑफ टेक्स्ट ऑन अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली जो टेक्स्ट का यूज़ होता है बॉडी टैग के अंदर वो किस लिए होता है कि किसी भी टेक्स्ट के कलर को डिफाइन करने का काम हमारा टेक्स्ट करता है। मतलब अगर आप कोई लाइन अपने वेब पेज पर लिखते हो तो उसका क्या कलर रखना है, किस तरीके से कलर होना चाहिए उसका, हरा नीला पीला किस तरीके का, मतलब कोई भी कलर रखना हो आपको तो उसको डिफाइन करना होगा आपको टेक्स्ट के अंदर। मतलब बॉडी के अंदर टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के अंदर आपको कलर को डिफाइन करना होगा। तो बेसिकली जो टेक्स्ट का यूज़ है वो इतना सा ही है। सिंटैक्स से समझ लेते हैं तो जो बॉडी टैग होता है, मैंने बताया था बॉडी टैग जो हेड के नीचे आता है, तो बॉडी टैग जो होता है उसके अंदर हमें लिखना है टेक्स्ट, फिर इक्वल लगाना है और दो ऊपर कोड लगाने हो, कोड के अंदर हमें लिखना है डबल कोड के अंदर कलर नेम। मतलब कलर नेम में आप रेड ब्लू जो भी कलर देना चाहें, जिस तरीके का आप अपना टेक्स्ट रखना चाहें उसके अंदर आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है HTML, मैंने यहाँ पर अभी कोई टाइटल नहीं दिया है, सिंपल सा एक बॉडी के अंदर मैं कलर एक किसी भी टेक्स्ट को कलर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई अभी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, जब आप पूरा एक कोई वेब पेज बनाएं तब आपको टाइटल देना ज़रूरी होता है। तो अब मैंने यहाँ बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट के अंदर और जो कलर है उसको डिफाइन कर दिया। अब मैं जो भी बॉडी के अंदर जो भी जो टेक्स्ट लिखूँगा उसमें क्या होगा, वो कलर उसी कलर का टेक्स्ट आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर जो टेक्स्ट लिख के आएगा हमारे आउटपुट वेब पेज पर वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो जब आप इसको अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको ये चीज़ आपको हरे पर लिखी हुई दिखाई देगी। मतलब जो कलर आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर वो उसी कलर में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड। अब उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बैकग्राउंड में क्या है, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द वेब पेज। सो बेसिकली अगर आपको अपने वेब पेज पर बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए तो आपको बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है इसका यूज़ करना होगा। HTML supports various graphics formats such as JPG, .gif और भी कई सारे जो एक्सटेंशन जो ग्राफिक्स फॉर्मेट होते हैं उनका जो सपोर्ट है वो HTML कर लेता है। मतलब ईजिली HTML उसे सपोर्ट करता है। तो आप JPG, .gif इन तरीके के कई सारे फॉर्मेट ग्राफिक्स फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं किस तरीके से। तो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है बैकग्राउंड, और जो आपके बैकग्राउंड जो मतलब जिस तरीके की आपको इमेज लगानी है उस इमेज को आपको देख लेना है और उस पर राइट क्लिक करके देखना है कि जो URL है उसका URL उसको आपको यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखना होगा URL को। जैसे ही आप URL को यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बात और, यहाँ पर जो URL होगी वो आपकी या तो इमेज नेम हो सकता है या फिर पाथ नेम हो सकता है। मतलब जो पाथ होता है आपकी इमेज का, या तो इमेज का नेम यहाँ पर हो सकता है या फिर पाथ जो इमेज का है, मतलब किस जगह पर है पूरा पाथ होता है। आप राइट क्लिक करिए अपनी इमेज पर, प्रॉपर्टी पर जाइए, वहाँ पर पाथ होता है, लोकेशन होती है, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए तो बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो लग जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं किस तरीके से आप किसी भी इमेज को अपने बैकग्राउंड मतलब वेब पेज के बैकग्राउंड पर कैसे लगा सकते हैं। सो एग्जांपल में देखते हैं, मैंने यहाँ पर टैग यूज़ किया HTML, इसके नीचे हेड के नीचे मैंने टाइटल को दिया और टाइटल है हमारा कंप्यूटर। सो इसके नीचे हमने हेड को क्लोज़ किया और बॉडी टैग को स्टार्ट कर लिया। मैंने बताया था कि बॉडी टैग के अंदर हमें बैकग्राउंड को यूज़ करना है, ठीक है। फिर इक्वल लगाया, डबल कोड लगाए, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इमेज का नाम दे दिया और .jpg जो भी उसका एक्सटेंशन है उसको लिख दिया और डबल कोड को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने बॉडी टैग को भी क्लोज़ कर दिया और HTML को भी नीचे जाकर क्लोज़ कर दिया। तो बेसिकली है क्या, आपको यहाँ पर इमेज का नेम देना है या फिर यहाँ पर पाथ जो होता है इमेज का उसको देना है। कई सारे लोगों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग यहाँ पर बैकग्राउंड को नहीं यूज़ कर पाएंगे सही से। सो इसलिए मैंने एक वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो बना के अपनी चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
या फिर अभी एक ऊपर आई बटन पर वीडियो आ रही होगी, उसको क्लिक करके आप बैकग्राउंड को देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं या फिर नए बैकग्राउंड को कैसे लगा सकते हैं अपने वेब पेज पर। सो अब बात करते हैं बॉडीटेक के थर्ड एट्रीब्यूट की, जो कि है बीजी कलर। किसी भी वेब पेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट के अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर आपको, तो आपको बीजी कलर एट्रीब्यूट जो बॉडीटेक का है उसे यूज़ करना होता है। और किस तरीके से उसे यूज़ करना है, नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है। जैसे बॉडी लिखा हुआ जो बॉडी टैग है अपना, उसके अंदर हमें लिखना है बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर हमें उसके कलर को डिफाइन करना है कि हमें किस तरीके का कलर चाहिए। जैसे कि हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को रन कराते हैं किसी भी ब्राउज़र पर, तो क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे वाइट स्क्रीन होती है, तो उस वाइट स्क्रीन को आपको चेंज करना है किसी और कलर में, तब हम यूज़ करते हैं बीजी कलर का। डिफरेंस क्या है बीजी कलर और बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि आप इमेज, किसी भी इमेज को अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं, और बीजी कलर की हेल्प से आप अपने बैकग्राउंड मतलब वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई भी कलर मतलब ला सकते हैं। कि जैसे वाइट कलर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर होता है, तो उसको चेंज करने के लिए अगर रेड चाहिए आपको पूरे बैकग्राउंड पर या येलो चाहिए, इस तरीके का कलर चाहिए, तो आपको बीजी कलर का यूज़ करना होगा वहाँ पर। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सो हमने ऊपर यूज़ किया है HTML टैग का, इसके नीचे हेड टैग का यूज़ किया है, और उसके नीचे किया है टाइटल टैग का यूज़। सो टाइटल टैग में यहाँ मैंने बताया कि मैं बीजी कलर का यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया, और नीचे हेड जो टैग है उसको भी क्लोज़ कर दिया। फिर हेड टैग के नीचे मैंने बॉडी टैग को यूज़ किया है, और बॉडी टैग के अंदर मैंने बीजी कलर को यूज़ किया है। फिर इक्वल लगाया, और डबल कोट के अंदर हमने लिखा है येलो। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइट स्क्रीन की जगह अब हमारी स्क्रीन पर येलो कलर आना चाहिए। जब हम आउटपुट देखें, प्रोग्राम को रन कराएं, तब येलो कलर में आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा यही यूज़ है। फिर इसके बाद नीचे मैंने इसको बॉडी टैग को क्लोज़ कर दिया, और HTML टैग को भी क्लोज़ कर दिया। आप एक बार इसको रन करा के देखिएगा और क्या आउटपुट आता है इसका। सो फिर इसके बाद अगर नहीं समझ में आता है, तो इसकी एक एक्सटर्नल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर बीजी कलर को आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो किस तरीके से आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे चेंज होता है। सो अब बात करते हैं बॉडी टैग के नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, वो है लिंक। इस एट्रीब्यूट का क्या काम है, आपने कई सारे वेब पेज पर देखा होगा कि लिंक होती हैं, उस पर लिंक पर क्लिक करने से आप एक और नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। सो लिंक का तो काम इतना सही होता है कि आपको दूसरे पेज पर जंप कराने का काम लिंक का होता है। सो बेसिकली यहाँ पर लिंक का यूज़ क्या है, या फिर लिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमें समझना होगा। सो दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है, जब हम किसी भी लिंक पर क्लिक करके नहीं जाते हैं, मतलब अगले वेब पेज पर जाते ही नहीं, हम लिंक पर क्लिक ही नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो कलर उसका होता है वो एक स्पेसिफिक कलर होता है। मतलब जब हम क्लिक कर देते हैं लिंक पर, तो एक अलग सा कलर हो जाता है, और अगर हम उस लिंक पर क्लिक ही ना करें तो ब्लू कलर, बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर क्या रहता है, ब्लू। उसका कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया हैज़ 0000FF, ये उसका कोड है, कलर का कोड, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इस टाइप के कई सारे कोड कलर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो क्या होता है, ये जो लिंक होता है ये बताता है आपको कि आप उस लिंक पर विजिट नहीं किए हुए हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, उसका कोड मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि बॉडी टैग के अंदर हमें लिंक लिखना होता है, और उसमें इक्वल लगाकर डबल कोड के अंदर हमें उस कलर का नेम लिखना होता है। आप यहाँ पर कलर, उसका कलर का नेम लिखिए या फिर उस कोड को लिखिए, जैसे कि हैज़ 0000FF, या फिर ये लिखिए या फिर कलर नेम लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको जो भी कलर अपने हिसाब से रखना हो लिंक का, वो रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है लिंक का। आपने कई सारी वेबसाइट पर देखा होगा ये। सो एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। तो HTML टैग लगाएंगे, फिर नीचे हम बॉडी टैग को लिखेंगे। आपको यहाँ पर कई सारे काम करने होते हैं, HTML, फिर हेड, टाइटल, फिर हेड को क्लोज करना, फिर इसके बाद बॉडी सेक्शन आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, जगह थोड़ा सा कम थी इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, बॉडी टैग को यूज़ किया, उसके अंदर मैंने लिंक को लिखा है, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर मैंने उस कलर को लिखा है, फिर इसके बाद बॉडी को क्लोज़ किया, फिर HTML को। तो इस तरीके से कुछ इसका एग्जाम्पल होगा। सो लिंक की बात करते हैं, बी लिंक की।
बी लिंक एक ऐसा एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का जिसमें हम डिफाइन करते हैं विजिटेड लिंक के कलर को, ठीक है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में बहुत सारी लिंक दी गई हैं, उसमें अगर कोई भी आप एक लिंक में विजिट करके आते हैं उसमें, और तो उसका क्या कलर होना चाहिए, ये हम डिफाइन करते हैं बी लिंक में, ठीक है। अगर कोई भी आपके वेब पेज पे आता है और कई सारी लिंक दी गई हैं वहाँ पर, और किसी एक लिंक पर वो क्लिक करके अंदर जाता है फिर वापस बाहर आता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी लिंक पर उसने अभी क्लिक किया था। तो जो विजिटेड लिंक होती हैं उसका कलर अलग हो जाता है, बदल जाता है, तो वो हमें डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। और जो वाई डिफ़ॉल्ट कलर होता है बी लिंक एट्रीब्यूट का, वो होता है पर्पल। मैंने बताया था ब्लू कलर का होता है अनविजिटेड लिंक का, जिसको मैंने पहले अभी बता चुका हूँ, तो मैंने बताया था वहाँ पर थोड़ा सा फेद हो जाता है। तो ब्लू कलर का थोड़ा अगर फेद होगा तो क्या होगा, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पर कोड दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिंटैक्स की, किस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बॉडी टैग के अंदर हमें बी लिंक लिखना होगा, और इक्वल और डबल कोट के अंदर हमें लिखना होगा कलर नेम, मतलब जो भी आपको कलर रखना है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो तो पर्पल होता ही होता है, आप यहाँ पर कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो HTML लिखा मैंने ऊपर, और HTML का टैग लिखने के बाद नीचे मैंने लिखा बॉडी टैग। तो बी लिंक का यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि मुझे बताना है विजिटेड लिंक के बारे में कि विजिटेड लिंक का कैसा कलर होना चाहिए। और अगर इसी जगह आप अनविजिटेड लिंक का यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर लिंक लिख के भी आप आगे काम कर सकते थे। तो यहाँ पर मुझे बताना है विजिटेड लिंक का, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बी लिंक। बेसिकली जो बी यहाँ पर है वो विजिटेड, आप ऐसे याद रख सकते हैं विजिटेड लिंक, ठीक है। तो इक्वल डबल कोट के अंदर जो भी कलर रखना हो आपको, यहाँ पर कलर लिखिए, और वहाँ पर आपको यहाँ पर अगला जो बॉडी टैग है उसे क्लोज कर देना है, फिर नीचे HTML को क्लोज कर देना है। एक सिंपल सा एग्जांपल था, आपको बेसिक पूरा प्रोग्राम बना के एक देखना है, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो मैं एक मतलब पूरे लेक्चर के बाद एक पूरे टैग का बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे टैग यूज़ करेंगे हम एक वेब पेज के अंदर। और अब बात करते हैं ए लिंक की। सो ए लिंक में क्या है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें हम एक्टिव लिंक के कलर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्टिव लिंक के कलर को अगर डिफाइन करना है तो आपको ए लिंक में करना होता है। अब भाई एक्टिव क्या होता है, तो एक्टिव तब होती है कोई भी लिंक जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है। और जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर होता है एक्टिव लिंक का वो होता है रेड, ठीक है, एक्टिव लिंक का। और मैंने वहाँ पर कोड भी लिखा हुआ है, HAS FF0000, ठीक है, ये उसका कोड है। आप रेड नहीं, जो और वेबसाइट पर कलर आता है वो कलर अगर रखना चाहते हैं तो HAS FF0000 को यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स यहाँ पर बता देता हूँ, बॉडी टैग के अंदर ए लिंक को लिखना है और इक्वल डबल कोड के अंदर उस कलर का नेम या फिर उस कलर का कोड, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। और एग्जांपल से समझते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, आपने HTML को यूज़ किया, फिर बॉडी टैग के अंदर ए लिंक का यूज़ करना है, इक्वल डबल जो कोड है उसके अंदर आपको कलर को डिफाइन करना है, फिर बॉडी टैग को यहाँ पर क्लोज करना है और HTML टैग को नीचे क्लोज कर देना है। तो आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा जिससे आप किसी भी एक्टिव लिंक के कलर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें आपको बताई थी कि आपको अगर अनविजिटेड लिंक का आपको दिखाना है कि कौन सा कलर होना चाहिए, तो आपको वहाँ पर सिंपल सा लिंक एट्रीब्यूट को यूज़ करना है बॉडी टैग के अंदर। अगर आपको विजिटेड लिंक का कलर अगर डिफ़ाइन करना है, आपको दिखाना है, तो आपको यूज़ करना होगा बी लिंक का। अगर आपको एक्टिव लिंक का कलर अगर डिफ़ाइन करना है तो आपको सिंपल सा बॉडी टैग के अंदर ए लिंक का यूज़ करना होगा। तो अभी तक मैं ये सारे आपको बॉडी एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, तो सारे के सारी जो अभी आपको बताए हैं मैंने, तो वो कहाँ यूज़ होने हैं बॉडी टैग के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं टॉप मार्जिन की। भाई टॉप मार्जिन क्या है, तो हम इसमें समझेंगे और किस तरीके से इसके यूज़ किया जाता है वो भी हम इसमें समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो ऑफ योर बॉडी एलिमेंट। क्या होता है कि आपको अपने ब्राउज़र विंडो पे अपने डॉक्यूमेंट में कितनी स्पेस चाहिए है, मतलब टॉप से कितना स्पेस आपको चाहिए है कि आपका जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीज़ है उसको कितना नीचे रखना है आपको, तो हम टॉप मार्जिन में उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे, सिंटैक्स यूज़ क्या करेंगे इसमें कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग टॉप मार्जिन को लिखेंगे, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम टॉप मार्जिन को लिखेंगे, इक्वल और डबल कोड में हम वहाँ पर लिखेंगे कि कितनी वैल्यू हमें कितना नीचे रखना है उसको टॉप से। तो ये सब हम डिफाइन करेंगे वैल्यू के अंदर, उसका जो भी जो साइज़ है उसको उसके डिफाइन करेंगे यहाँ पर। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे उसको डिफाइन करना है।
सो एग्जांपल में देखते हैं, हमने HTML टैग का सबसे ऊपर यूज़ किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन टैग्स को आपको अच्छे से लिखना है, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप कोई भी वेब पेज को आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने HTML टैग को ऊपर यूज़ किया, फिर नीचे हेड टैग को यूज़ किया, इसके नीचे मैंने टाइटल टैग को यूज़ किया। अब बेसिकली है क्या, टाइटल टैग के अंदर हमें टाइटल को देना होता है और टाइटल को आगे क्लोज भी कर दिया। इसके बाद मैंने हेड सेक्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिया, अब पूरा हेड का काम निपट गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बॉडी सेक्शन को स्टार्ट किया और बॉडी सेक्शन में मैंने बताया कि टॉप मार्जिन, जैसा कि चल रहा है यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टॉप मार्जिन मैंने यहाँ पर 70 दे दिया। अब इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएगा टॉप मार्जिन के नाम से और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और आई बटन पर भी अभी जो लिंक जो ब्लिंक हुई होगी वो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 70 डाल दिया। अब क्या होगा, आप इसको कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन करा के देखिएगा तो आपको आउटपुट समझ में आएगा। तो मैंने जो लाइन लिखी है वो टॉप से कितनी दूर रखनी है, ये बात हमें इसमें पता चलती है, टॉप मार्जिन का यही काम होता है। बॉडी को मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया और HTML को भी नीचे क्लोज़ कर दिया। तो सिंपल सा यूज़ टॉप मार्जिन का मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको टॉप से, ब्राउज़र का जो विंडो होती है उसमें टॉप से कितनी जगह आपको स्पेस चाहिए है, ये डिफ़ाइन करते हैं हम टॉप मार्जिन के अंदर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हो तो इससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन में क्या है, बिल्कुल टॉप मार्जिन जैसा है, सारे सिंटेक्स सेम है और एग्जांपल भी सेम सा ही है। और इसमें करना क्या होता है कि टॉप मार्जिन में क्या होता था कि हमें ऊपर से कितना स्पेस देना है, उसमें हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसमें कितने के बाद लिख के आए, क्या उसमें किस तरीके से उसमें स्पेस देना है टॉप से, तो ये बात हमने की थी टॉप मार्जिन में, ठीक है। अब लेफ्ट मार्जिन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द लेफ्ट एज ऑफ द ब्राउज़र विंडो ऑफ योर बॉडी एलिमेंट। क्या होता है कि आपको लेफ़्ट साइड से कितना स्पेस देना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, ये बात करनी होती है हमें लेफ़्ट मार्जिन में, ठीक है। यहीं पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना मार्जिन या फिर कितना स्पेस हमें लेफ़्ट साइड से छोड़ना होता है। सिंटैक्स क्या है कि बॉडी के अंदर हमें लेफ़्ट मार्जिन लिखना होगा और डबल कोट के अंदर हमें उसकी वैल्यू बतानी होगी कि कितना स्पेस चाहिए आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सो एग्जाम्पल पूरा का पूरा सेम ही है, बस आपको बॉडी सेक्शन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन लिखना है टॉप मार्जिन की जगह और जो वैल्यू है वो 70 की 70 मैंने यहाँ पर रखी है। इसको आप अपने कंप्यूटर पर रन करा के देखिए और आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर एक और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी टैग को बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने टैग पढ़ाए नहीं है और अच्छे, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा कुछ लिखा हुआ है और मैंने बॉडी टैग को नीचे क्लोज़ कर दिया है। आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखिए, बहुत ही अच्छा आउटपुट आने वाला है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको प्रोग्राम रन कराने में, कोई भी एरर या फिर कुछ भी होता है, आप हमें कमेंट करके बताया करें। और इनकी सबकी प्रैक्टिकल वीडियो मैं डालता रहता हूँ, आप इन सब को देख सकते हैं, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो हमारे चैनल पर विज़िट करें और सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारा का सारा मटेरियल आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पे HTML की प्रैक्टिकल नाम से एक और प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं सारे के सारे टैग, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके सारे के सारे टैग के जो प्रैक्टिकल वीडियो हैं कंप्यूटर पर, वो मैंने करके दिखाए हैं और आप भी उनको करके देखिए। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको HTML लर्न होगी। फिर आपको क्या है, देख के कोडिंग नहीं करनी होगी, देख के आप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, सारे टैग आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, आप किसी भी वेब पेज को कहीं भी बैठ के आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताएँ और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।